वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, हम उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटेड थर्ड स्टेज ट्रायल ऑफ कोरोना वैक्सीन। हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? ऑप्शन है ए यूएसए, बी रसिया, सी चाइना या फिर डी इटली। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी रसिया। रसिया के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, रसिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर जो है वो है मिखाली मिसुतिन। इसके अलावा रसिया से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है वो है कि रसिया की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है। तो रसिया की संसद को जो है वो ड्यूमा कहा जाता है। इसके अलावा एक और देश है जिसकी संसद के बारे में पूछा जाता है वो है जापान। तो जापान की जो संसद है उसको जो है डाइट कहा जाता है। रसिया की करेंसी जो है वो रूबल है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली जैक चार्ल्टन हैज पास्ड अवे। ही वाज जैक चार्ल्टन, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो कौन थे? ए राइटर, बी फुटबॉलर, सी सिंगर या फिर डी क्रिकेटर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है बी फुटबॉलर। जैक चार्ल्टन जो थे वो एक फुटबॉलर थे और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए खेला करते थे, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट लोक अदालत। भारत की पहली लोक अदालत जो है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है अभी हाल ही में सीघा टैप लॉन्च किया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पढ़ई द्वार द्वार नाम के ऐप की भी शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है इसकी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट 1 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है रायपुर है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में ही एक और शहर है जिसका नाम है नया रायपुर, इसे उसके साथ कन्फ्यूज नहीं करना। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो है रायपुर और नया रायपुर जो है वो एक अलग सिटी है। छत्तीसगढ़ में जो है 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ की गवर्नर अभी अनुसुईया उइके है और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उसे भूपेश बघेल, यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका या डी झारखंड। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। अभी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना और संकल्प योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल और टॉप पेरेंट ऐप भी शुरू की गई थी। और इन सब के अलावा मध्य प्रदेश के अभी उमरिया जी डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना जो कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए थी शुरू की गई थी। और साथ ही मध्य प्रदेश ने अभी वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स के लिए करमवीर पुरस्कार की भी घोषणा की थी। देखिए, मध्य प्रदेश के जो है अभी करंट में जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर जो है वो है लालजी टंडन। लेकिन अभी क्योंकि लालजी टंडन की जो है तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी अतिरिक्त भार दिया गया है। मध्य प्रदेश की जो है राजधानी वो है भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में संजय, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क है, जिसमें से कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वहाँ पर जो है चरण पादुका पहल की भी शुरुआत की गई थी। और अभी जो शिवराज सिंह चौहान जो है, जब ये दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं तो इन्होंने मुख्यमंत्री राशन योजना की भी फिर से जो है शुरुआत की थी। साथ ही मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मिड डे मील के राशन को वितरण करना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। ऑप्शन है ONGC, NTPC, IOCL, BSNL। किस संस्थान ने CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 को जीता है?
ऑप्शंस ONGC, NTPC, IOCL या BSNL। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है NTPC। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 9 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई या ऑप्शन डी 14 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम 628 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, किस देश ने भारत को 628 किलोमीटर के रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी ईरान। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी ईरान। देखिए, ईरान हैज ड्रॉप इंडिया फ्रॉम इट्स रेलवे प्रोजेक्ट लिंकिंग टू छाबार पोर्ट टू जहदान सिटी। ये जो है साबार पोस्ट से जहदान सिटी तक की रेलवे लाइन बिछानी थी, जिससे इंडिया को भी बाहर कर दिया गया। इसका कारण जो है, इंडिया जो है इसमें काफ़ी डिले कर रहा था। इंडिया ने ये प्रोजेक्ट जो है 4 साल डिले कर दिया था, जिसके कारण ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। अब देखिए, ईरान का जो है प्राचीन नाम हुआ है पर्सिया। यहाँ पे पहले पारसीज लोग पाए जाते थे, लेकिन अभी जो है करेंट में ईरान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो है तहरेन, प्रेसिडेंट है यहाँ के हसन रूहानी और करेंसी जो है रियाल। अगला प्रश्न है, इंडिया हैज़ रिसेंटली हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट की सप्लाई की है? ऑप्शन ए है मेडागास्कर, बी है इथियोपिया, सी है छाड या डी मालदीव्स। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी मालदीव्स। देखिए, इंडिया हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट ऑफ 61 आइलैंड अक्रॉस मालदीव्स ऑफ वैल्यू ऑफ $8 मिलियन। इंडिया ने जो है मालदीव के 61 आइलैंड में $8 मिलियन के लागत वाले फिटनेस इक्विपमेंट को भेजा है। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है शुद्ध। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि SHUDH का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आपको क्या लिखना होगा, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड शुद्ध। ऑप्शन है IIT मद्रास, बी है IIT कानपुर, सी IIT खड़गपुर या फिर डी है IIT मुंबई। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में किस राज्य ने टॉप किया है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आसाम या डी कर्नाटका। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश जो है PM स्वनिधि योजना में शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश की जो है स्टेट फॉर्मेशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल भोपाल है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 है और गिद्दा डांस, माझ, मटकी, फूलपाती ये जो है यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण डांस है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में संजय, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश ने अभी चरण पादुका ऐप, टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल और जीवन शक्ति मिशन की स्थापना की थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पुलिस ऑफिशियल्स, जो मध्य प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए करमवीर पुरस्कार की भी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन बाय रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो। हाल ही में रोटरी फाउंडेशन और रोटरी इंटरनेशनल शिकागो के द्वारा पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो इसका ऑप्शन है BS येदुरप्पा, सी है एडापट्टी के पलानी स्वामी, सी पिनाराई विजयन या डी YS जगनमोहन रेड्डी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है बी एडापट्टी के पलानी स्वामी। देखिए, एडापट्टी के पलानी स्वामी जो है वो अभी हमारे
तमिलनाडु के सीएम हैं, जिन्हें की पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं, जान जाते हैं। तमिलनाडु जो है, वहाँ के अभी तमिला साई रुमाल को जो है जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा वहाँ के जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु के गवर्नमेंट, वो है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण जो है फेस्टिवल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है जालीकट्टू। जालीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके अलावा पोंगल जो है वो भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप इस वीडियो के जो है पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। आप वहाँ से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।